किसान नेता एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयक किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। पटेल होशंगाबाद जिले के गोविंद नगर में भाऊ साहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा एवं कृषक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि को आधुनिक बनाने में कृषि वैज्ञानिकों की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम से आज देश और प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने इस प्रकार की संगोष्ठियों के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे खेती किसानी को उन्नत बनाने के साथ ही किसानों को अधिकतम उत्पादन करने में आवश्यक मदद प्राप्त होती है। लाभ की खेती के लिए इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाना बेहद आवश्यक है। मंत्री पटेल ने कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नवीन कृषि विधेयक लाए गए हैं। इन विधेयकों का भविष्य में बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेगा और किसानों की आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। लेकिन खेती बाड़ी मालगुजारी परिवार छोड़कर राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम में और अखिल भारतीय क्षेत्रीय प्रचार है उनके आशीर्वाद से हम सब लोग उनकी प्रेरणा से आज उनके आशीर्वाद से ये गोविंद नगर जो पहले में जंगल था वो आज खूबसूरत कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में और बच्चों को संस्कार देने के लिए शिशु मंदिर के रूप में किसानों को उन्नत खेती जैविक खेती कम लागत पे अधिक उत्पादन ताकि खेती घाटे का धंधा नहीं लाभ का धंधा बने, हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहे स्वस्थ रहे और जो उत्पाद हो वो भी स्वस्थ हो ताकि जो हमारे हम या हमारे बच्चे हमारी पीढ़ी समाज जो ग्रहण करें वो शुद्ध अनाज खाद्यान्न ग्रहण करें जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे। इसके लिए जैविक की ओर प्राथमिकता देते हुए समाज को और किसानों को प्रेरणा देने का कार्य इस पावन मिट्टी से भूमि से हो रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।